हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू ट्रैवल। अभी हैं हम लोग करजत में और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं सोंडे वाड़ी और वहां से हम लोग जाएंगे सोंडे फोर्ट के लिए। तो थोड़े समय में हम लोग अभी यहां से हम लोग हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये अभी हम लोग जस्ट अभी यहां पे पहुंचे हुए हैं लोकल ट्रेन से। दादर से हमने मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन ली थी और अभी हम लोग 8 बजे के आसपास यहाँ पर करजत पहुँच गए हैं। तो चलो चलते हैं, आज का दिन हम लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे और आगे के फुटेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी आज अभी हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हमें एक्चुअली जाना था पीछे, जो ये जो रोड सीधा जा रहा है वहाँ पे जाना था, लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ पे उल्टा आए हैं मॉर्निंग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। ये सोंडई फोर्ट ट्रैकिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज़ द बेस पॉइंट। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके आते हैं वो, तो यहाँ पे यू कैन पार्क योर व्हीकल और करजत स्टेशन से जो शेरे ऑटो चलती है वो भी आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी। करजत स्टेशन से बेस पॉइंट का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर है और यू कैन सी देर इज़ अ फूड स्टॉल एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम लोग अभी यहाँ पे एक पॉइंट पे आए हुए हैं और यहाँ से ये जो रास्ता है वो ऊपर फोर्ट की तरफ जाता है और यहाँ पे एक लैंडमार्क है, ये वॉच टावर। तो आप जब कभी भी आओगे तो यू कैन कीप दिस इन योर माइंड। जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हो तो ऊपर से आपको मोरबे डैम का ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली इट्स लिटिल बिट फॉगी नाउ, तो इरसलगढ़ इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम हियर। होप के ऊपर जाके हमें क्लियर विजिबल होगा। Thank you.
यहाँ पे सुंदरी माता की मूर्ति की स्थापना की गई है, उसकी वजह से शूज पहन के यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। एंड देर इज़ वन वॉलंटियर हु विल गाइड यू। और आप देख सकते हो यह है सुंदरी माता की मूर्ति जिसकी स्थापना गांव वालों ने यहाँ पे की है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड मंदिर नहीं है, एक पेड़ है उसके नीचे ही माता जी की मूर्ति है। हम लोग अभी नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग ने एक लंच ब्रेक लिया हुआ है। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे, तो खाने पीने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। चाय कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह सब आराम से मिल जाता है। तो अभी हम लोग हमारा दोपहर का लंच करके फिर आगे जाएंगे नीचे बेस पॉइंट तक, और फिर वहाँ से हम लोग करजत के लिए निकल जाएंगे। सोंडाई फोर्ट के लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। बेसिकली इट्स ए मॉडरेट लेवल ट्रैकिंग, इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं यहाँ पे। आई थिंक सो मॉनसून इज़ द राइट सीज़न, मॉनसून में आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बीच में रास्ते में कहीं छोटे छोटे आपको वाटर स्ट्रीम्स वगैरह भी मिल जाते हैं। एंड ऊपर जाके जो नज़ारा देखने के लिए मिलता है दैट इज़ ऑसम। तो आई थिंक सो मॉनसून इज़ द राइट सीज़न। लेकिन यहाँ के लोकल पब्लिक ने हमें बताया कि यहाँ पे 365 डेज पब्लिक आती है यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, और समर में थोड़े पब्लिक कम रहती है बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। ये अभी हम लोग सुंडाई फोर्ट से नीचे उतर रहे हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत ही हैवी रेन था, इसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा वीडियोस दिखा नहीं पाया। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए वेदर एकदम ही अच्छा हो गया है, एंड नाउ द डे इज़ वेरी क्लियर, स्काई इज़ वेरी क्लियर। और यहाँ पे देखिए अभी पीछे सनलाइट वगैरह है, उसकी वजह से मोरबे डैम का पूरा क्लियर व्यू यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। उसके पीछे जो है वो इरसलगढ़ है, वो भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। आज का दिन हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, वी इन्जॉयड अलॉट। मॉर्निंग में जब हम लोग यहाँ पे आए थे तभी यहाँ पे बहुत ही बारिश थी, तो वो टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट था वहाँ पे ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये जो ट्रैक है वो मॉडरेट लेवल का है, आप इजीली आ सकते हो और ऊपर जा सकते हो। कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं आपको बात करूँ तो इट इज़ वेरी नियर फ्रॉम करजत स्टेशन। देर आर नंबर ऑफ ऑटोज़ विच रन्स फ्रॉम करजत स्टेशन टू
बेस विलेज, वहाँ से आपको ऑटो वगैरह आसानी से मिल जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ आने के लिए करजत स्टेशन से कोई बस नहीं चलती है, तो आपको आइदर यू कैन कम बाय योर प्राइवेट व्हीकल और एल्स आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी स्टेशन से। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा आज का, और आपके कमेंट्स वगैरह के लिए मैं ऑलवेज वेट करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, और आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मैं मेरा वीडियो यहाँ पे आज एंड कर रहा हूँ, फिर नए वीडियो के साथ में मैं नए दिन की शुरुआत करूँगा आपके साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।